हाय स्टूडेंट्स, मैं सीएम विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए शेयर करते रहता हूँ, वो आप तक पहुँच जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, सो आज का वीडियो है क्या? आज का वीडियो इज ऑन आवर रिजल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक बधाइया सभी सीएमए स्टूडेंट्स को फॉर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। एंड कोविड कंडीशंस में आपने इतना एफर्ट डाल के आपने जो एग्ज़ाम दिया है, आई एम रियली हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। नाउ अभी इस वीडियो में बेसिकली है क्या, अभी अपना रिजल्ट तो आ चुका है, तो अभी बच्चे कन्फ्यूज है कि रिजल्ट के बाद करना क्या है। तो इन वीडियो में अपन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहली चीज, जिन लोगों का बोध ग्रुप क्लियर हुआ है बहुत बहुत बधाई। अब आगे जाके या तो आपको थर्ड ग्रुप देना है या बोध ग्रुप देना है, तो उसके लिए पहले आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। सो आप पहले प्लानिंग करो। मेरा सजेशन है कि दिसंबर तक काफ़ी समय है, अगर आप बोध ग्रुप देंगे तो आराम से पढ़ाई भी हो जाएगा एंड रैंक लाने के चांसेस ज़्यादा है, करें ना। तो जब भी आप बोध ग्रुप देते हैं तो रैंक भी आता है एंड आपका इंडस्ट्री में वैल्यू भी बढ़ता है, बिकॉज फाइनल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सो जिनका बोध ग्रुप क्लियर है, मेरे हिसाब से यू शुड प्लान फॉर बोध ग्रुप इन द दिसंबर। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है सर, कुछ कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, तो फिर आप एक ग्रुप के लिए प्लान कर सकते हैं। बट माय पर्सनल सजेशन इज इफ यू गो फॉर बोथ ग्रुप, आपको आगे जाके फ्यूचर में फायदा होगा। सो डोंट लुक एट योर कंफर्ट, लुक एट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, करेक्ट ना। थोड़ा हाई लेवल का गोल सेट करो, मेहनत ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। डोंट टेक डिसीजन इन योर कम्फर्ट जोन, है ना। जस्ट इमेजिन करो कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। बोथ ग्रुप क्लियर करना बेस्ट है ना। एंड अभी आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया है, दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, सो नाउ यू गॉट दैट एक्सपीरियंस। आपको पता है कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, रिविजन कैसे करना है, यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस। सो माई सजेशन, पर्सनल ओपिनियन, प्लान फॉर बोथ ग्रुप, ठीक है। सेकेंड, अभी जिनका एक ग्रुप क्लियर हुआ है, फिर वो कोई भी हो, ग्रुप वन हो या ग्रुप टू हो, उनको क्या करना है, पहले स्टडी स्टार्ट करो फॉर अनदर ग्रुप, है ना। स्टडी स्टार्ट करो फॉर जो एक ग्रुप, लेट्स से एक ग्रुप हुआ है तो सेकंड ग्रुप का स्टार्ट करो, सेकंड हुआ है तो फर्स्ट का स्टार्ट करो। ये स्टडी अभी आपको कंप्लीट करना है, दस मई तक अगर आप स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं तो बेटर होगा, सो दैट वी कैन हैव टाइम फॉर रिवीजन। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, ये एग्जाम पास होना मुश्किल है। सो आप कोशिश करो कि आने वाले अगले 40 दिन में आप पूरा ग्रुप कवर कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 दिन आपके पास है। इस बार रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया, सो नाउ अगर एग्जाम देना है तो इतना ही समय अवेलेबल है। सो 40 डेज में आपको आप एक ग्रुप कवर करना है, मतलब अराउंड 10 दिन आपके पास है। तो 10 दिन में आपने 8 से 9 घंटा भी पढ़ाई किया तो 90 आवर्स पर सब्जेक्ट इज मोर देन इनफ, करे ना। तो ये आपको पढ़ना है। अच्छा, ये जो टाइम है, मैं अदर देन वीडियो लेक्चर बात कर रहा हूँ। अगर आपने आप भी कोई वीडियो लेक्चर ले रहा है तो दिस इज द आई एम टॉकिंग ऑफ सेल्फ स्टडी अदर देन वीडियो लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स। क्योंकि लेक्चर्स देख के तो खाली कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपने को रिवीजन भी करना पड़ता है। सो अदर देन वीडियो लेक्चर्स, मतलब सब मिला के 8 से 9 घंटे पकड़ सकते हैं, 6 घंटे फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी, यस 6 आवर्स वीडियो लेक्चर्स एंड 3 टू 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। हाँ, ये सब मिला के 10 घंटे अगर आप देंगे दिन के, तो देन आपका आपके लिए वो आसान हो जाएगा। देन एटलीस्ट एक एक टेस्ट पेपर देने की कोशिश करो, 100-100 मार्क का, करेक्ट ना। दो दो देना मुश्किल है क्योंकि टाइम कम है। ट्राई टू गिव टेस्ट पेपर्स सो दैट इट विल हेल्प यू। सो दिस इज द प्लान, दोज हु हैव आइदर कंप्लीटेड ग्रुप वन और ग्रुप टू। नाउ अभी तीसरे जो स्टूडेंट्स है, बहुत ग्रुप फेल हो गए या सिंगल ग्रुप दिया था वो फेल हो गए, इस बार ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है। क्योंकि जितना मैंने रिजल्ट देखा है 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कैटेगरी में कम स्टूडेंट्स रहेंगे। तो नाउ यू प्लान फॉर ओनली वन ग्रुप, आपको एक ही ग्रुप प्लान करना है जिन्होंने बोध ग्रुप दिया था। नाउ दे विल हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा ग्रुप आपको देना है,
है ना, तो कौन सा ग्रुप आपको देना है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो लगता है कि दिसंबर में जिस ग्रुप का स्टडी अच्छे से हुआ था, जिसके पास होने के चांसेस ज़्यादा है, उस ग्रुप को हाथ में लेके पढ़ाई करना है। डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो आज के आज आपको डिसाइड करना है, तो किसी ने दोनों ग्रुप दिए थे उसको लगता है कि मेरा ग्रुप वन थोड़ा अच्छा हुआ है कंपेयर टू ग्रुप टू, तो ग्रुप वन देना है। लगता है नहीं ग्रुप टू सर बेटर हुआ है, तो ग्रुप टू देना है। करें ना, खाली आपको टैक्सेशन में और जीएसटी में अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे, उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड जिनका एक ही ग्रुप दिया था, एक ही ग्रुप फेल हो गया, तो उसी ग्रुप को उठा के पढ़ना है, नए ग्रुप को हाथ मत लगाओ। मैं देखा है कि बच्चे ये ग्रुप छोड़ के नए ग्रुप को हाथ लगाते हैं, फिर वो भी फेल हो गया, तो दिसंबर में फिर दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगा। मैं क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? सो जो ग्रुप हाथ में लिया दिसंबर में एक ग्रुप, उसी ग्रुप को कंप्लीट करेंगे तो आपको बेटर होगा। अगर आपने सेकेंड ग्रुप देने की कोशिश की, वो भी अगर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए ड्यू टू एनी रीज़न, लेट से बीमार पड़ गए इसलिए पेपर बराबर दे नहीं पाए, फेल हो गए, तो फिर दिसंबर में कन्फ्यूजन कि दोनों ग्रुप कैसे देंगे। इसलिए तो जो लोगों ने बोथ ग्रुप फेल हो गए, ऐसा मैं उम्मीद करता ऐसा कोई ना हो, तो किसी एक ही ग्रुप का प्लान करो जो आपके लिए अभी इजी है 40 दिन में कंप्लीट करना। एंड जिसने सिंगल ग्रुप दिया है वही ग्रुप को कंटिन्यू करके पढ़ाई कंप्लीट करो। तो अगर आप इस तरह से आपका प्लानिंग करेंगे, डेफिनेटली आप 1, 2, 3 किधर ना किधर कैटेगरी में फिट होंगे। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो आपको इसके बारे में कुछ भी और हेल्प चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करो, आगे ऐसे बहुत सारे धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।